जितने भी व्यापारी पैसा कमाने के लिए काम करते हैं उनके आगे बढ़ने की एक लिमिट होती है और एक लिमिट के आने के बाद वो रुक जाते हैं, एक लिमिट के आने के बाद वो रुक जाते हैं। लेकिन जितने लोग किसी भी एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हैं, जैसे अपने एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट करना, अपने बिजनेस का डेवलपमेंट करना, अपने कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करना, कंज्यूमर को बेस्ट फैसिलिटीज देना, कंज्यूमर के लिए अच्छा प्रोडक्ट डेवलप करना, जहां पर भी पैसा प्रायोरिटी नहीं होता वही बिजनेस ज्यादा आगे बढ़ता है, वही बिजनेस माइलस्टोन क्रिएट करता है और वही बिजनेस एक बहुत बड़े व्यापार का संरचना करके लोगों के साथ पैसा कमाता है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि क्या आप व्यापार में अपने लाभ के लिए काम करते हैं या अपने इंप्लॉयज के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, सेल्स के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, कंज्यूमर के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। हम में से बहुत सारे लोग जब व्यापार पे जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं, शोरूम पर जाते हैं, शॉप पर जाते हैं या जॉब पर जाते हैं, तो उनसे पूछा जाए कि उनका रूटीन क्या है, तो वो एक ही रूटीन बताते हैं कि सुबह 10 बजे जाता हूं या 9 बजे जाता हूं या 8 बजे जाता हूं या 11 बजे जाता हूं और उसके बाद कहते पूरे दिन काम करता हूं और शाम को वापस आ जाता हूं, कभी लेट हो जाता हूं, कभी जल्दी आ जाता हूं और कभी नहीं भी जा पाता। लेकिन जो लोग बिजनेस में बिजनेस की पॉलिसी को समझते हैं वही आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन से पूछा गया तो उन सभी ने यह बताया कि हमारे काम करने का शेड्यूल क्या है कि हम पूरे दिन काम करते हैं। लेकिन जो लोग पूरे दिन के काम को डिवाइड करके काम करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, वही लोग आगे बढ़ते हैं। मतलब आप जब बिजनेस में जाएं, ऑफिस में जाएं, अपने व्यापार के स्थल पर जाएं, तो आधे घंटे का समय एडमिनिस्ट्रेशन को दें। हमें से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि रेगुलर बिजनेस कैसे करना है, काम कैसे डेवलप करना है। आधे घंटे का समय एडमिनिस्ट्रेशन को दें, मतलब अपने एम्प्लॉयज को दें, किसका क्या काम है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसको क्या क्या जिम्मेदारी दी गई है, किसको कितना काम कितनी समय अवधि में पूरा करना है, और उसके बाद 3 से 4 घंटे का समय अपने व्यापार को रेगुलर चलाने पर लगाएं। क्योंकि बहुत समय पहले हमारे माता पिता ने, हमारे दादा दादी ने यह कहा था कि बेटा व्यापार पर ध्यान दोगे तो व्यापार चलेगा, व्यापार पर ध्यान दोगे तो व्यापार चलेगा, बिजनेस पर ध्यान दोगे तो बिजनेस चलेगा। और यह सिद्धांत हमारे पेरेंट्स ने हमें दिया था, हमारे पूर्वजों ने हमें दिया था, बिल्कुल ठीक सिद्धांत है। लेकिन 3 से 4 घंटे का समय आपको व्यापार को चलाने पर लगाना चाहिए। लंच टाइम पर लंच करें, उसके बाद 3 से 4 घंटे का समय व्यापार को बढ़ाने पर लगाना चाहिए। क्योंकि यह सिद्धांत सिद्ध हो चुका है कि व्यापार में जब व्यापार को चलाने का काम करेंगे तो वो चलेगा, तो यह सिद्धांत भी लागू होता है जब व्यापार को बढ़ाने का काम करेंगे तो वो बढ़ेगा। ट्राई टू फाइंड आउट न्यू बायर, न्यू सप्लायर, न्यू वेंडर, न्यू क्लाइंट, नए लोगों के साथ व्यापार करना शुरू करें, मतलब अपने नेटवर्क को बड़ा करें। जितना ज्यादा बड़ा आपका व्यापारिक नेटवर्क होगा उतना ज्यादा आप बिजनेस को डेवलप कर पाएंगे।